You've been hearing a lot of important voices that have been coming in now from New York. Remember, you've heard people speaking on economy, on terrorism, and a lot of other issues. But there are other issues also that India, remember, is concerned about right now. The Prime Minister has made that push, not just for climate change, but also for better living conditions. And this is where Kailash Satyarthi, remember, actually fits the bill, because he's someone who's worked for child rights and the downtrodden back home here in India. This is our colleague Aishwarya catching up with him and understanding the road ahead. हम इस समय मौजूद हैं संयुक्त राष्ट्र में और मेरे को यहाँ मिले हैं नोबल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी. कैलाश जी, पिछली बार भी जब हम आए थे तो आप हमें यहाँ मिले. आपका जो काम चल रहा है लगातार जी, आपको लोगों को ज़्यादातर होता है कि चलो मान्यता मिल गई उसके बाद, लेकिन आपका काम लगातार जारी है. आपको लगता है कि आपको जो अवार्ड मिला तब से और आज तक चीज़ों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ फ़ायदा हुआ? निश्चित तौर पर कोई भी मान्यता, कोई भी पुरस्कार आपको रोकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है. और मैं ये महसूस करता हूँ कि जब तक हर बच्चे को उसके बचपन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, पढ़ाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी है. और प्रगति हुई है भारत में भी और दुनिया भर में. हमने देखा है कि बच्चों के मामले जैसे बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग, बच्चों की गुलामी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हिस्सा हैं. और दुनिया SDGs का गोल बनी है. इसके लिए मुझसे जितना बन पड़ा किया मैंने. नोबेल प्राइज़ के बाद सबसे पहले मैंने दुनिया भर के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से बात की, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से बात किया, बान की मून साहब से, और धीरे धीरे करके उस मुद्दे को हम लोग जुड़वा पाए. और अभी एक बड़ा मुद्दा ये बन चुका है जिसको कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती. सर, बिल्कुल नहीं कर सकती. लेकिन आप कैसे देखते हैं भारत की बढ़ती हुई ताकत को? जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे, सर हम ह्यूस्टन भी गए थे, ह्यूस्टन में जो हुआ और उसके बाद न्यूयॉर्क में जो हो रहा है, आप इसको कैसे देखें? देखिए, भारत कभी जगतगुरु रहा है, भारत कभी सोने की चिड़िया रहा है. भारतीय लोगों में, भारत के 130 करोड़ लोगों में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, हमारे DNA में इतना इतना मूल्य है, इतनी शक्ति है, काबिलियत है कि हम लोग दुनिया भर को का नेतृत्व कर सकते हैं. और मैं ये यकीन करता हूँ कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. सर, पीस जिस तरह से बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप से भी कि मैं पीस चाहता हूँ, मैं टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस रखता हूँ. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल मोदी है, कि मेरे को मोदी की काबिलियत पर भरोसा है. लेकिन पर ये क्यों रीजनलिज्म, क्यों पाकिस्तान टेररिज्म? आप नोबल लॉरिएट हैं, आप इस सब चीज़ों पर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि केवल युद्ध ना होना ही शांति नहीं होती है. शांति के लिए विकास हैं, मानव अधिकार हैं, मनुष्यों के आपसी बीच के रिश्ते हैं, एक दूसरे के देशों के रिश्ते हैं, इनको सुधारना बहुत ज़रूरी है. और दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, युद्धों के लिए कोई जगह नहीं है. तो सरकारों की जिम्मेवारी है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि समाज की जिम्मेवारी है. अगर पाकिस्तान के लोग, भारत के लोग, नेपाल के लोग, बांग्लादेश के लोग, सारे पड़ोसी देशों के लोग, पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर शांति के लिए काम करते हैं तो जरूर शांति स्थापित होगी.